हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है। दिस इज यश योर टेकमेट। और दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Realme की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किए गए Realme P1 5G को Realme की तरफ से थोड़े समय पहले लॉन्च किए गए Realme 12 5G के साथ में। दोनों ही जो स्मार्टफोन है रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, दोनों ही जो स्मार्टफोन है लगभग सिमिलर प्राइस पॉइंट पर आपको मिलते हैं। जहां पर हम बात करें Realme P1 5G की, तो 6+128 आपको मिलता है 15,999 रुपीज में। वही Realme 12 5G का 6+128 आपको मिलता है 16,999 रुपीस में। ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद में दोनों स्मार्टफोन लगभग सिमिलर प्राइस पॉइंट पर आपको मिलते हैं। तो सिमिलर प्राइस पॉइंट पर सेम ब्रांड की तरफ से अगर आपको दो फोन्स मिल रहे हैं तो कंफ्यूजन डेफिनेटली होता है कि कौन सा स्मार्टफोन परचेस किया जाए, Realme P1 5G परचेस किया जाए या फिर Realme 12 5G परचेस किया जाए। तो आज की वीडियो में डिटेल में कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन को एंड मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन किन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही कंटेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन्स के बारे में, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। सबसे पहले कंपेयर करेंगे बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को। Realme P1 5G की अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड यहां पर दिया गया है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, फ्लैट फ्रेम्स आपको मिलते हैं, ग्लास फ्रंट दिया गया है, IP54 की यहां पर आपको रेटिंग मिलती है। थिकनेस की बात करेंगे 8.0 mm की थिकनेस है, 188 grams के आसपास फोन का वेट है। सो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिलती है, स्लिम फोन है, लाइट वेट फोन है, बिल्कुल शिकायत आपको नहीं देगा। Realme 12 5G की अगर बात करें तो यहां पर भी सिमिलर बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम आपको मिलता है, फ्लैट फ्रेम से, ग्लास फ्रंट है, IP54 की रेटिंग आपको मिलती है, 7.7 mm की थिकनेस आपको मिलती है, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लिम है एंड 188 grams फोन का वेट है। तो वेट तो दोनों स्मार्टफोन्स का सेम है, Realme 12 5G कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लिम है। सो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन्स में आपको अच्छी मिलती है, सिमिलर मिलती है। डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन पैटर्न भी दोनों फोन्स का लगभग एक जैसा है। डिजाइन तो अपना अपना टेस्ट होता है भाई साहब, किसको कौन सा डिजाइन पसंद आता है, किसको कौन सा डिजाइन पसंद आता है। मेरे हिसाब से दोनों स्मार्टफोन गुड लुकिंग है। सो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में दोनों स्मार्टफोन लगभग एक जैसे हैं। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो Realme 12 5G में आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, जहां पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है। एंड अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको सुपर AMOLED पैनल दिया गया है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। ब्राइटनेस की बात करें तो यहां पर आपको 1200 nits की ब्राइटनेस मिलती है। वाइड वाइन L1 के सर्टिफिकेशन के साथ में HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले भी यहां पर आपको दिया गया है। तो डिस्प्ले क्वालिटी Realme P1 में आपको बहुत अच्छी दी गई है। बात करेंगे Realme 12 5G की तो यहां पर आपको 6.72 इंचेस का थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन यहां पर भी दिया गया है, लेकिन यहां पर आपको IPS LCD पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, 950 हर्ट्ज की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन जरूर से मिलता है लेकिन HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले यहां पर आपको नहीं मिलता है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए Realme P1 5G का जो डिस्प्ले है वो कहीं ज्यादा बेटर है Realme 12 5G के कंपैरिजन में। तो अच्छे डिस्प्ले वाला अगर आपको फोन लेना है देन Realme P1 5G विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, Realme P1 5G के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट। अच्छा चिपसेट है, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया, हीटिंग का इशू बहुत कम, डे टू डे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, गेमिंग आपको बहुत अच्छी करा देता है। बात करेंगे एंटूडू स्कोर्स के बारे में, तकरीबन 6 लाख के आसपास एंटूडू स्कोर निकल के आता है। तो 15,000 के आसपास आने वाले फोन में 6 लाख का स्कोर आना बहुत अच्छी बात है, मतलब परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। कंपैरेटिवली Realme 12 5G में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंसी यहां पर भी आपको अच्छी मिलती है, लेकिन ये जो चिपसेट है 7050 के कंपैरिजन में काफी वीक चिपसेट है। यहां पर Realme P1 5G में आपको 7050 के साथ में UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है, वहीं पर Realme 12 5G में Dimensity 6100+ के साथ में UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। एंड एंड्रॉइड स्कोर्स की अगर बात करें 4,14,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर्स निकल के आते हैं। सो क्लियरली अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लेना है तो भी Realme P1 5G कहीं बेटर है Realme 12 5G के कंपैरिजन में। बात करेंगे कैमरा मॉड्यूल की, Realme P1 5G में आपको दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 50+2 megapixels का डुअल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ है। रियर कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 120 fps एंड सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल्स का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा मिलता है एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें, कैमरा सेटअप Realme P1 5G में आपको डिसेंट मिलता है। कंपेयर करेंगे Realme 12 5G के साथ में, वहां पर भी आपको डुअल
रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, साथ ही में एक 2 मेगापिक्सल का छोटू मिलता है। रियर कैमरा से 1080p 30 fps आप कर सकते हैं। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको केवल 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि काफी वीक पॉइंट है इस फोन का। एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 1080p 30 fps पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें तो रेजोल्यूशन तो आपको रियलमी 12 5G में बेटर मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, सेल्फी कैमरा की क्वालिटी हो गई, रियर कैमरा की क्वालिटी हो गई, आईएसपी की अगर हम बात कर ले तो मेरे हिसाब से रियलमी P1 5G का जो कैमरा है रियलमी 12 5G के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेटर है। सो यस अगेन कैमरा ओरिएंटेड फोन आपको लेना है, रियलमी P1 5G आपके लिए सही चॉइस रहेगा। बात करेंगे बैटरी मॉड्यूल के बारे में। दोनों ही फोन के अंदर आपको 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है। दोनों ही फोन 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही फोन में आपको चार्जर इनबॉक्स दिए गए हैं। चार्ज करने में तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लगता है। 5000 एमएएच की बैटरी, 45 वॉट का चार्जर, तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट में जो फोन है वो चार्ज हो जाते हैं। नाउ बैकअप की अगर बात करें तो रियलमी 12 5G को मैंने टेस्ट किया है, 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से आपको निकाल के देता है। तो बैटरी बैकअप रियलमी 12 5G में आपको काफी अच्छा मिलता है, लेकिन IPS LCD पैनल 120 हर्ट्ज होने के कारण बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। रियलमी P1 5G में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है तो बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा यहां पर आपको कम मिलेगा। एंड 7 से 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आप इस फोन के साथ में निकाल पाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल के मामले में भी रियलमी P1 5G थोड़ा सा आगे रहता है भाई। अच्छी बैटरी वाला फोन भी अगर आपको लेना है तो रियलमी P1 5G की तरफ आप जा सकते हैं, बेटर बैटरी मॉड्यूल वहां पर आपको मिलता है। दोनों ही फोन में आपको चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, USB 2.0 के सपोर्ट के साथ में, 3.5mm जैक दोनों ही फोन में आपको मिल जाते हैं। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करें, रियलमी P1 5G में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, रियलमी 12 5G में ऑब्वियसली आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है। छुटर-पुटर इधर-उधर के सारे सेंसर्स आपको दोनों फोन्स में मिलते हैं, सेंसर्स में कमी आपको नहीं मिलती है। बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, दोनों ही फोन्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर मिलते हैं। एंड रियलमी UI 5.0 दोनों फोन्स में आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस दोनों फोन्स का आपका लगभग एक जैसा रहेगा, ब्लूटूथ रहेंगे, एड्स भी रहेंगे, लेकिन डिसेबल भी हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों फोन्स में आपको एक जैसा मिलेगा। बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है दोनों फोन्स का अच्छा रहेगा। लेकिन अगेन चूंकि रियलमी P1 5G में आपको AMOLED का डिस्प्ले दिया गया है विद डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, तो ओवरऑल जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो रियलमी P1 5G का बेटर रहेगा। सो यस, बेटर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए रियलमी P1 5G विल बी अ बेटर चॉइस। कार्ड स्लॉट की बात करेंगे, रियलमी P1 5G में कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया है, जबकि आपको रियलमी 12 5G में हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट में Realme P1 5G बेटर है, बी इट बिल्ड क्वालिटी, बी इट डिस्प्ले, बी इट कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी मॉड्यूल, स्पीकर क्वालिटी, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, सारी जगह पर Realme P1 5G बेटर है। प्लस प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो प्राइस पॉइंट भी 1000 रुपए कम है भाई साहब। 6+128 Realme P1 का आपको मिलता है 15999 में, वहीं पर Realme 12 5G 6+128 16999 में आपको मिलता है, 8+128 Realme P1 आपको मिलता है 17,499 रुपीस, वहीं पर Realme 12 5G आपको मिलता है 17,999 रुपीस। एंड 8+256 की अगर बात करें Realme P1 आपको मिलता है 18,999 में, एंड 12 5G का 8+256 आता ही नहीं है भाई। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन है भाई साहब, Realme P1 5G कहीं ज्यादा बेटर है Realme 12 5G के कंपैरिजन में। रिसेंटली मैंने Realme 12 5G परचेस किया था, एंड सडनली Realme P1 5G उससे कम प्राइस पॉइंट में, उससे बेटर स्पेसिफिकेशंस के साथ में सेम ब्रांड की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्मार्टफोन लेने में थोड़ी सी जल्दी कर दी, लेकिन ये जल्दी आप लोग मत करना। Realme क्या करता है भाई साहब, जब फोन लॉन्च करता है तब प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, धीरे-धीरे प्राइस पॉइंट इतना कम हो जाता है कि वो जो फोन है प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी लगने लगता है। तो Realme जब भी फोन लॉन्च करे फर्स्ट सेल में परचेस ना करें, थोड़ा समय लें, उसके बाद में अगर आप परचेस करेंगे तो आपको ठगा हुआ महसूस नहीं होगा, जो कि आज की तारीख में मुझे हो रहा है। Realme 12 5G मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वेट करता, Realme P1 परचेस करता तो ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी मुझे मिलती। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार हैं, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, कौन सा आप खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Oh,